उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में खानकाह है शाह शराफतिया की। शाह सकलेन एकेडमी ऑफ इंडिया ने गुरुवार को एक ऐसी खुशनुमा शाम सजाई जिसमें 38 घर आबाद हो गए। माँ बाप बेटियों की शादी के फर्ज से अदा हुए तो उनके चेहरे की चमक बढ़ गई। अपना हम सफर पाकर ये बेटियाँ दूल्हों के साथ अपनी ससुराल के लिए रुखसत हो गईं। साथ में बेशुमार दुआओं की दौलत लेकर गईं। बुजुर्गों की मोहब्बतों से सबके दामन भर गए। खानकाह शाह शराफतिया के सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद गाजी मियाँ ने दूल्हा दुल्हनों को दुआओं से नवाज कर उनके घर भेजा है। शाह सकलेन एकेडमी ऑफ इंडिया हर साल सामूहिक विवाह आयोजित करता है। इसी क्रम में गुरुवार की शाम बिशप मंडल मैदान में शादी कार्यक्रम हुआ जिसमें तमाम उलेमा और शहर के लोग शामिल हुए। दूल्हा दुल्हन के लिए अलग अलग मंच सजाए गए थे। सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद गाजी मियाँ ने शादी कार्यक्रम में आए लोगों को ये पैगाम दिया कि शरीयत के मुताबिक अपने बच्चों की शादियां करें, महंगी शादियां और फिजूल खर्ची से बचकर निकाह को आसान करें ताकि समाज के जो गरीब लोग हैं वे दहेज की समस्या से बचकर अपनी बच्चियों की आसानी के साथ शादी कर सकें। बच्चों की शिक्षा पर जोर देने और समाज में फैली बुराइयों से बचने का पैगाम आम किया गया है। कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम समेत तमाम लोग पहुंचे। लोगों ने दुल्हा दुल्हन को दुआओं देकर उनके घर भेजा है। इस दौरान शादी पर नए जोड़ों को तोहफे भी दिए गए। देखिए खानकाह के मीडिया प्रभारी हमजा सकलेनी ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। हजरत शाह सकलेन एकेडमी के जरिए आज यहां पर 38 जोड़ों का निकाह कराया जा रहा है। हालांकि हमारे पास 45 जोड़े आए थे जिनका हमने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उसमें से 7 जोड़े ऐसे थे कि किसी में दूल्हा की उम्र कम थी, किसी में दुल्हन की उम्र कम थी, तो उसको हमने कैंसिल कर दिए। तो हमारे पास जो थे वो 38 जोड़े बिल्कुल परफेक्शन के साथ हमने उसको रजिस्ट्रेशन किया। आज उन्हीं का यहाँ इस मंच पर निकाह हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि उर्से सकलेनी जो अभी 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जिसमें इंशाअल्लाह मुल्क भर के जायरीन यहाँ पर शिरकत करेंगे। और मुल्क ही नहीं बल्कि तमाम दीगर मुल्कों से भी जायरीन आएंगे। बहुत बड़े पैमाने पर ये उर्स होने जा रहा है। इस मुबारक मौके पर हजरत शाह सकलेन एकेडमी ने आज का ये इज्तिमाई निकाह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया है। और इज्तिमाई निकाह के इस तरह के कार्यक्रम हजरत शाह सकलेन एकेडमी की तरफ से हर साल किए जाते हैं। बरेली, मुंबई, भोपाल, झांसी, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, पूरे हिंदुस्तान भर में एकेडमी इस तरह के प्रोग्राम करती है और आज भी 38 निकाह करा रही है। इसके अलावा और तमाम जो यहाँ पर शादी जिन जोड़ों की जा रही है उनको घरेलू जरूरत का सामान, जो रोजमर्रा की जरूरत का सामान है, वो भी तोहफे में दिया जा रहा है। सर, ये सामान जो घरेलू सामान दिया जा रहा है ये कमेटी की तरफ से दिया जा रहा है अपने किसी के उसकी माता से? नहीं, ये सारा सामान कमेटी की तरफ से। गरीब या जरूरतमंद लोग हैं उनका विवाह जब इतने बड़े तरीके से और एक धूमधाम के साथ होता है तो उनके जो सपने होते हैं ना, जो अपने छोटी झोपड़ियों में छोटे एक कमरे के घर में रहते हैं, वो देख रहे होते हैं कि बड़े लोगों का निकाह होता है तो कैसे पार्टी सजती है, किस तरीके से टेंट लगते हैं, कैसा शामियाना लगता है, लेकिन वो बातें उनके मन में ही रह जाती हैं। क्या हो सकता है वो काम करने जा रहा है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को जिस तरह आज 38 जोड़ों का निकाह कराया गया है, बहुत बधाई के पात्र है। नींव रखने वाले हमारे दुनिया साहब उनका भी इतना धन्यवाद किया जाए कम है, क्योंकि उन्होंने भी गरीबों को जरूरतमंदों को खाली सपने नहीं, उन्हें हकीकत दिखाई है कि तुम्हारी शादी भी बड़े लोगों की तरह एक मंच के पीछे हो सकती है। ऐसे लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ जितने जोड़े जिसके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ, हर एक जीवन उनको बहुत अच्छा है। ये जिस तरह मोहम्मद कहाँ से आना हुआ? किसकी शादी है? बेटे की। क्या करता बेटा? पढ़ाई का काम करते है। क्या सोच के शादी कर रहे? घर बच जाए। सरकार की परिस्थिति में खुश है? लड़की कहाँ की है? लड़की है,
साहब ऐसे कोई परिवार है जो ख्वाहिश में हो कि सिर्फ हमें बिना दे दान के? अभी ऐसा कोई हमारे पास रिश्ता नहीं है, बिना दहेज के शादी के लिए आया हूँ, घर से संपन्न हूँ, अपना खुद कर सकता हूँ, ऐसा रिश्ता हमारे पास। कोई सरकारी नौकरी हुए ना? कोई ऐसा ही सरकारी नौकरी हो, सब रोजगार रोजी मजदूरी करने वाले हैं। वहीं से मैं चार मित्र हाजिर कर रहा हूँ, सीधी सफर का आगाज कर रहा हूँ। आपका यहाँ पे कमेटी के मेंबर है आप? जी, कमेटी के मेंबर हूं।